ये जो वक्त आ गया है कि हम भानु भूरिया जी के लिए जिताएं, लेको बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आज चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन सारे नौजवान एक बार हाथ उठा के बताएं, क्या है आप शिवराज जी को जो आप सबके मामा हैं, क्या आप दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? तो मैं आपसे वायदा करता हूं कि दिवाली के बाद उनकी शपथ हो जाएगी, बशर्ते आप भानु भूरिया जी को ज्यादा से ज्यादा। प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि झाबुआ चुनाव भाजपा जीतेगी और शिवराज सिंह चौहान आपके मामा वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। यह तो वही कहावत हो गई कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने शिवराज को दिखा रहे हैं, वो भी शायद गोपाल भार्गव इसलिए दिखा रहे हैं कि दोनों के संबंध जगजाहिर है, दोनों में कितना प्रेम है वो जगजाहिर है, और वे भली बात ही जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन घर से जब निकलते हैं तो मुख्यमंत्री बनने के सपने देखते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन पाने का दुख अपने भाषणों में झलकता है और उनके सपने के आधार पर उनका मजाक उड़ाने के लिए इस तरह की उन्होंने बात कही, क्योंकि ना झाबुआ उपचुनाव भाजपा जीतेगी, ना उनके पास कभी बहुमत होगा और ना कभी उनकी मध्यप्रदेश में सरकार बनेगी, इसलिए इस तरह के सपने दिखा रहे हैं। ये तो वही कहावत फिट हो गई कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, पूरी तरह से शिवराज का मजाक उड़ाने के लिए गोपाल भार्गव ने बयान दिया है। उन्हें भी पता है कि भाजपा के पास बहुमत का अभाव है, कांग्रेस के पास पहले से 121 विधायकों का समर्थन हासिल है, और इस तरह की बातें करके वे बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान की जो सपने हैं जो मुख्यमंत्री बनने के, उसका मजाक उड़ा रहे हैं।